हेलो गाइस, दिस इज समीर और आप देख रहे हैं HVAC इलेक्ट्रिकल चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्रेसर से रिलेटेड, इसमें कि हम जानेंगे कि किसी भी कंप्रेसर को अगर स्टकअप हो गया है और या फिर ग्राउंड हो गया है तो हम उसे किस तरह से चेक करते हैं। तो चलिए, ये कंप्रेसर में हम चेक करेंगे कि हम इसकी ग्राउंड या फिर स्टकअप कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। HVAC और इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। सो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि हम एक कंप्रेसर में कंप्रेसर ग्राउंड है या कंप्रेसर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, ये हम किस तरह से चेक करते हैं। तो पहले हम इस टर्मिनल बॉक्स को ओपन करेंगे। कंप्रेसर का ग्राउंड चेक करने के लिए हमें या तो मल्टीमीटर या फिर क्लाइमीटर की आवश्यकता होगी। इसी के द्वारा हम कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं कि कंप्रेसर ग्राउंड है या नहीं है। इसे ऑन कर लेंगे। क्लाइमीटर को या फिर मल्टीमीटर को ओम्स में सेलेक्ट कर लें। ओम्स में सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि अभी मैं इन दोनों को टच कर रहा हूँ तो आपको इसमें से एक बीप का साउंड सुनाई देगा। तो पहले हम इस तीन टर्मिनल को चेक करेंगे। अगर आपका कंप्रेसर डिफेक्टिव नहीं है तो ये तीनों आपस में कंटिन्यूटी आएगी, जैसे कि आप अभी मीटर में चेक देखेंगे। अभी ये अगर आपका कंप्रेसर डिफेक्टिव है तो ये तीन टर्मिनल आपस में कंटिन्यूटी लॉस हो जाएगा। अगर कंप्रेसर सही है तो ये तीन टर्मिनल आपस में कंटिन्यूटी इस जगह पे शो होगा। कंटिन्यूटी अगर सही होगा तो इस जगह पे ओम्स आएगा, इट मीन्स यहाँ पे कुछ नंबर आएगा और ये मीटर बीप का साउंड होगा। चलिए देखते हैं कि इन तीन टर्मिनल में आपस में कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो मल्टीमीटर का इस दो पॉइंट को हम इस दोनों से तीनों से आपस में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। पहले हम इन दोनों का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे नंबर्स आ रहा था जिसे ओम्स कहते हैं, तो ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट है। पहले मैंने इसे और इसे चेक किया था, अब मैं इसे और इसे चेक करता हूँ। ये दो टर्मिनल भी आपस में कंटिन्यूटी सही है। अब हम इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो जैसे कि आपने मीटर में देखा, ये तीनों टर्मिनल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर इन तीनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल का कंटिन्यूटी लॉस हो जाता है या फिर मतलब कि कंटिन्यूटी अगर छूट जाता है तो ये कंप्रेसर डिफेक्टिव हो गया। फिर इसका ये मोटर का वाइंडिंग है जो कि अगर एक दूसरे से डिसकनेक्ट हो गया तो ये कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा। और भी कई बार आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि ये तीनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट है पर आपको उस समय पे हो सकता है जब एसी रनिंग हो तो ब्रेकर ट्रिप करे, तो उस समय आपको इन तीनों टर्मिनल को बॉडी से चेक करना है। तो बॉडी में जैसे कि इस जगह पे यहाँ पे जो कॉपर का पाइप है या फिर जो कॉपर पाइप आप इस जगह से कनेक्ट करेंगे उस पाइप पे या फिर बॉडी पे, बॉडी के किसी भी हिस्से पे इस जगह पे पेंट है, अगर आप इस जगह पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर ये मोटर ग्राउंड भी होगा, कंप्रेसर ग्राउंड भी होगा, तो इस जगह पे आपको कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम
इस जगह पे चेक करते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये भी बॉडी से अटैच है, पर जो कंप्रेसर डिफेक्टिव नहीं होगा उसका ये बॉडी का पार्ट और ये कॉपर पाइप इस तीनों टर्मिनल से कनेक्ट अभी ये नहीं है। तो अभी जो कि ये न्यू कंप्रेसर है, हम इसमें अगर कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। अगर इस जगह पे कंटिन्यूटी आ जाता है तो इसका मतलब भी यही है कि कंप्रेसर ग्राउंड हो चुका है। तो चलिए हम चेक करते हैं इस बॉडी से और इस टर्मिनल से। तो जैसे कि आप मीटर में देख रहे हैं कि अभी वहाँ पे OL लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर अभी इस टर्मिनल से ग्राउंड नहीं है। कुछ समय में आपको ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों टर्मिनल पे ही ग्राउंड होगा, किसी भी एक टर्मिनल से अगर ये ग्राउंड मिलता है तो कंप्रेसर डिफेक्टिव हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं इन तीनों टर्मिनल को चेक कर रहा हूँ बॉडी से, तो इस जगह पे कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्रेसर ना तो ग्राउंड है ना ही इसका कंटिन्यूटी लॉस हुआ है। कुछ समय में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि ये कंटिन्यूटी भी सही है और आप जो ग्राउंड चेक करेंगे वो कंप्रेसर आपको ग्राउंड भी नहीं मिलेगा, पर जब आप कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे तो कंप्रेसर वाइब्रेट होगा, कंप्रेसर ज़्यादा हीट होगा और कुछ समय के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो इसका कारण ये है कि इसके अंदर में जो रोटर लगा होता है, ये एक रोटरी कंप्रेसर है जिसके अंदर में एक मेल रोटर और एक फीमेल रोटर होता है जो कि फ्रियोन को सक करता है, इस जगह से सक करता है और इस जगह से डिस्चार्ज करता है। जो फ्रियोन सक होता है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर सैचुरेटेड वेपर होता है, और जो डिस्चार्ज होता है वो होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सुपर हीटेड वेपर। तो उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करने का काम इसके अंदर लगा हुआ रोटर करता है। तो जब वो रोटर आपस में स्टक हो जाता है तो उस समय पे इस अगर आप किसी भी मीटर से इसका एम्पियर चेक करेंगे तो हाई एम्पियर देखने को मिलेगा, लाइक 30 to 35, 40 इस तरह का एम्पियर आपको अपने मीटर पे, इस मल्टीमीटर से आप एम्पियर चेक नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्लाइमीटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो जब आप इसमें एम्पियर चेक करेंगे तो एम्पियर आपको हाई एम्पियर देखने को मिलेगा, पर कंप्रेसर इस जगह से आपको कोई भी डिफेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। तो उस समय पे क्या होता है, जो रोटर अंदर लगा हुआ होता है वो रोटर स्टक हो जाने की वजह से कंप्रेसर हाई एम्पियर लेकर ट्रिप करता है। उस समय पे आप एसी को ऑफ कर इस बॉडी पे थोड़ा हैमरिंग करेंगे तो कुछ चांसेस होती है ऐसी कि जिस टाइम पे कंप्रेसर रिटर्न ऑन हो जाता है, पर उसकी लाइफ जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, और ज़्यादातर आप इसे हैमरिंग करने के बाद भी इसे रिटर्न स्टार्ट नहीं कर सकते, उस जगह पे भी एक बार कंप्रेसर डिफेक्टिव माना जाएगा, डिफेक्टिव हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी कंप्रेसर को किस तरह से चेक करेंगे, पहले तो इस तीन टर्मिनल को चेक करेंगे कंटिन्यूटी है या नहीं है। अगर इस तीनों पे कंटिन्यूटी है तो टर्मिनल से और बॉडी से अर्थ चेक करेंगे। इस जगह पे अगर बॉडी से और टर्मिनल से कंटिन्यूटी आ जाता है तो इस जगह पे भी आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, और कंप्रेसर के अंदर में जो रोटर लगा हुआ है, मेल रोटर और फीमेल रोटर, अगर वो स्टकअप हो जाएगा तो कंप्रेसर हीटअप होगा, एम्पियर ज़्यादा लेगा और ट्रिप करेगा। एक और प्रॉब्लम कंप्रेसर में आता है जो कि कंप्रेसर पंपलेस, जिसे हम कंप्रेसर पंपलेस कहते हैं। तो कंप्रेसर पंपलेस किस तरह से होता है, आप जब सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर चेक करेंगे तो दोनों प्रेशर आपको सेम देखने को मिलेगा, जो सक्शन का प्रेशर होगा वही डिस्चार्ज का भी प्रेशर होगा, एम्पियर कम हो जाएगा और कंप्रेसर ज़्यादा हीट नहीं होगा। इस जगह पे होता क्या है, जो आपका कंप्रेसर के अंदर जो रोटर लगा हुआ होता है वो रोटर फ्री हो जाने के कारण वो पंप नहीं कर पाता है, ना तो प्रॉपरली सक कर सकता है ना तो फ्रियोन को कंप्रेस कर डिस्चार्ज कर सकता है। इस जगह पे भी उसे हम कहते हैं कंप्रेसर पंपलेस हो जाना, कंप्रेसर पंपलेस हो जाएगा तो भी आपका एसी ठंडा नहीं करेगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।